ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र देहरादून की ओर से जिला सोलन की नौनी पंचायत में कानूनी साक्षरता तथा 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश राजकीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से महिलाओं को कानूनी सशक्तिकरण एवं समाधान खोजने के लिए उच्च न्यायपालिका एवं महिलाओं के समूह के साथ राज्य स्तरीय चर्चा आयोजित की गई। रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटल केंद्र देहरादून की ओर से जिला सोलन की नौनी पंचायत में कानून साक्षरता पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से महिलाओं को कानूनी सशक्तिकरण एवं समाधान खोजने के लिए उच्च न्यायपालिका एवं महिलाओं के समूह के साथ राज्य स्तरीय चर्चा आयोजित की गई। आपको बता दें कि शिविर के दौरान जहां महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया, तो वहीं सरल तरीके से महिलाओं को कानून संबंधी जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई। अलग अलग खेलों व तस्वीरों के जरिए महिलाओं के समूहों को कानूनी तौर तरीके बताए गए। शिविर में महिलाओं के मौलिक अधिकारों के अलावा सरकार की योजनाओं में कैसे भागीदारी करें आदि के बारे में उन्हें जागरूक भी किया गया। अवधेश शर्मा ने बताया कि रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र देहरादून की ओर से जिला सोलन के नौणी में कानून साक्षरता पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिविर के दौरान जहां महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया, तो वहीं बहुत सरल तरीके से महिलाओं को कानून संबंधित अन्य जानकारियां भी उपलब्ध करवाई गई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, स्टेट प्राधिकरण और जिला सेवा प्राधिकरण, इन सब के सहयोग से हम हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए कानूनी साक्षरता शिविरों का आयोजन कर रहे हैं। हर जिले में दो कैंप का आयोजन किया जाएगा, उसमें केवल महिलाओं को ही हम प्रशिक्षित कर रहे हैं और उसमें महिलाओं के अधिकार, महिलाओं ये क्या लॉज हैं और हमारे जो कानून क्या है, मौलिक अधिकार क्या हैं, इवन हम उनमें जो सरकार की जो सेवाएं हैं, सरकार जो ने जो स्कीमें लागू की हैं, उनको हम कैसे आम लोगों तक पहुंचा पाएं और कैसे उसमें भागीदारी करें, अपने पंचायतों को मॉडल कैसे बनाएं। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन के तहत महिलाओं की कैसे भागीदारी हो और उसमें सबको समझते हुए हम कैसे मुख्य धारा से इनको जोड़ें, ये एक हमारा मुख्य प्रयास है। हमारा महिलाओं के लिए ज़्यादा फोकस है, इसमें सारी महिलाएं हैं। हम महिलाओं को ये 30-30 महिलाओं के बैच तैयार करके हम ग्रास रूट पे आके इनको प्रशिक्षण करा रहे हैं और इसके बाद में हम इनके फॉर्म बनाएंगे स्थानीय लेवल पे, जिले लेवल पे, स्टेट लेवल पे इनके महिलाओं के फॉर्म बनाएंगे और ये फॉर्म फिर जो है आगे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ भी लिंक होंगे और इनका एक तालमेल रहेगा।